आज आप भी कहीं रिश्ता करते हो कि फौज में चला गया तो पहले चेक करते हो कौन सी फौज में गया है, पक्की फौज में है या ये बीजेपी वाली फौज में। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की कोसली विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती रुचि की। इस बात की जमकर चर्चा हो रही है कि आखिर लगातार दो दिन कोसली विधानसभा क्षेत्र में हुए होली मिलन समारोह के पीछे का राज क्या है। हम आपको ये बता दें कि इसमें राज जैसी कोई बात नहीं है। कोसली विधानसभा क्षेत्र से समर्थन मिलने के बाद ही दीपेंद्र के लिए लोकसभा और इसके बाद हरियाणा की राह आसान होने की उम्मीद है। यही वजह है कि दीपेंद्र ने अपनी रोहड़ाई की सभा में अहिरवाल के लोगों की दुख तिरग पर हाथ रखा। कोसली को अपनी कर्मभूमि बताते हुए सुख दुख का साथी बताया खुद को, और सत्ता में आने पर गरीब लोगों को सौ सौ वर्ग गज के प्लाटों के साथ घर बनाकर देने जैसे कई लुभावने वादे भी किए। दोस्तों, अहिरवाल के गढ़ में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस अपने तरकस का हर तीर चला रही है। उसके पास वैसे तो महंगाई जैसे कई मुद्दे हैं, मगर वीरभूमि अहिरवाल में कांग्रेस के पास अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे पूरे दक्षिण हरियाणा में पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। तभी तो आज कोसली विधानसभा क्षेत्र के गाँव रोहड़ाई में होली मिलन समारोह के बहाने दीपेंद्र हुड्डा ने इस योजना को लेकर यादव बेल्ट को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक एक कर इस योजना की खामियां बताई तो श्रोताओं की ओर से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। अपने भाषण के बाद पत्रकारों से बातचीत में भी दीपेंद्र ने विस्तार से इस योजना की खामियों को बताया। दीपेंद्र का कहना है कि इस योजना से हरियाणा के युवाओं का सेना में प्रतिनिधित्व काफ़ी कम हो जाएगा। जूनियर हुड्डा ने फौज की शक्ति कम होने की आशंका भी व्यक्त की। भाजपा सरकार पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि अब तो रिश्ता करते समय लड़की वाले भी ये पूछने लगे हैं कि लड़का पक्की वाली फौज में है या बीजेपी वाली फौज में। उनका कहने का मतलब स्पष्ट था। सरकार के खिलाफ अपने अग्नि तीर चलाते हुए दीपेंद्र ने अग्निवीर योजना को बीजेपी वाली फौज करार दे दिया। सुनिए दीपेंद्र ने अग्निवीर योजना को लेकर क्या कहा। पिछले कई दशकों से ऑन एवरेज हर साल 5,500 बच्चों की रिक्रूटमेंट अकेले हरियाणा से होती थी। हर 10वां सैनिक हरियाणा से था। और 2019 के बाद 2 साल की भर्ती पे बैन लगा, उसके बाद जब भर्ती दोबारा शुरू हुई, अग्निवीर आई, तो केवल 125 अग्निवीर लिए गए, जिससे बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का हुआ है। देश की फौज भी कमज़ोर हुई है हमारा मानना इस योजना से, और उसके साथ साथ हरियाणा के नौजवान को भी बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो सबसे ज्यादा अगर जय जवान जय किसान का कोई अगर धरती है तो दक्षिण हरियाणा की धरती। दीपेंद्र ने लालू प्रसाद यादव के घर सीबीआई के पहुंचने और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर भी सरकार को घेरा। सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष के ताकतवर नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए हर विपक्ष के मजबूत नेता को निशाने पर ले रही है। राबड़ी जी के घर पे ऐसे समय में जब लालू जी कहे कि एडमिटेड हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, इस तरह की जो रेड है, ये एक तो मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं ना कहीं ये हर विपक्ष के मजबूत नेता को ये सरकार निशाने पर लेती है। ये आज प्रजातंत्र में इस प्रकार की द्वेष की भावना की का स्थान नहीं होना चाहिए। विपक्ष के नेताओं पर देश में अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे वो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वो बिहार के उपमुख्यमंत्री की बात हो, क्योंकि राबड़ी जी घर का जो आज आपने जिक्र किया, ये प्रजातंत्र में इस प्रकार की जो कार्रवाई है विपक्ष की आवाज़ को निशाने पर लेने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की जो बातें हैं, ये प्रजातंत्र में ये सही नहीं है। सरकार की कार्यशैली से लोग नाराज हैं। दीपेंद्र ने कई अन्य विषयों पर भी विस्तार से बात की। गठबंधन से जुड़े सवाल को दीपेंद्र ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम है और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में प्रस्तावित एम्स को लेकर दीपेंद्र ने सरकार पर तीखे व्यंग्य बाण चलाए।
उन्होंने कहा कि जब जजपा ने सत्ता में आने के लिए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था तब सबसे पहले यही कहा था कि हम 5100 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन की शर्त पर सरकार में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। दीपेंद्र यह बताना नहीं भूले कि अमित शाह की गोहाना रैली रद्द हो गई थी जब बाद में वह करनाल आए तो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का संकेत दे गए। शाह का यह कहना इस बात का प्रमाण है कि लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा को हरियाणा सरकार में भगदड़ मचने की आशंका है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं सक्षम है और जो है कोई किसी प्रकार के गठबंधन की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 14 में घोषणा, 5 साल के बाद कैबिनेट में पास, 5 साल के बाद फाउंडेशन स्टोन, उसके 5 साल के बाद ये भूमि पूजन करेंगे, तो ये तो अपना जो है ये एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। मनेठी एम्स के लिए संसद से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार की नीयत इस मनेठी एम्स को बनवाने की नहीं है, इसको इसमें विलंब कराने की नीयत खट्टर सरकार की दिखाई दे रही है। आते जाते भाजपा के कार्यकर्ता वो कह गए कि तैयारी रखना, लोकसभा के साथ ही कराने पड़ेंगे विधानसभा, ये कह के गए अखबार में आए। इसका अर्थ ये है कि वो समझ गए कि लोकसभा के बाद सरकार ये चलेगी नहीं। इस इलाके को ऊपर उठाने में फौज का भी योगदान रहा और देश की फौज को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज बनाने में इस इलाके का बहुत योगदान है, लेकिन उस फौज में जिस फौज में हर साल हरियाणा में 2019 तक 5,500 की औसतन भर्ती होती थी हर साल 5,500, आज 19 के बाद 2 साल तो भर्ती नहीं हुई कोरोना कोविड की वजह से, उसके बाद नई रूप में भर्ती लागू करी तो अग्निपथ की भर्ती हुई, 5,500 की भर्ती होती थी पक्की हर साल हरियाणा से, केवल हरियाणा के 5,500, और 5,500 में से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर दक्षिण हरियाणा के होते थे और 5,500 में से 500,000 अकेले कोसली के भी होते होंगे, मैं बड़े विश्वास से आते हूँ। ये इलाका है, आज इस साल अग्निपथ की योजना में कुल 925 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, 925 अग्निवीर, उन 925 में से भी आपको बताए 210 तो 4 साल के बाद पक्के होंगे, बाकी बिना पेंशन के 4 साल के बाद छुट्टी घर आ जाएंगे वापस। आज आप भी कहीं रिश्ता करते हो कि फौज में चला गया तो पहले चेक करते हो कौन सी फौज में गया है, पक्की फौज में है या ये बीजेपी वाली फौज में, ये बात है ना कि 4 साल के बाद रिश्ता करती है। ये स्थिति आ गई आज देश में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, सरकार बदल के सोए थे, किसी को नहीं पता था कि दुष्यंत चौटाला जाके यूं समझौता कर देंगे 5,100 की पेंशन बता के, जैसे सिलेंडर की मैं पूछ रहा था, मैं मानता हूँ कि 5,100 पेंशन तो आ गई होगी बड़े बुजुर्गों की, आ ली क्या? दुष्यंत चौटाला तो कह रहा है कि आ गई, खट्टर साहब तो कह रहे हैं आ गई, समझौता ही इस बात पे हुआ था। ये बैठे उचाना से, वीरेंद्र बैठे गुगलिया जी भी उचाना से, उचाना वाले क्या करेंगे इस बार, उचाने वाले साफ करेंगे। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपसे अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का निवेदन कर रहा हूँ, आशा है आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।